तेव्हा कोरोना संदर्भातली ही एक विशेष बातमी. ताप, सर्दी किंवा खोकला असेल तर कोरोना चाचणी करा अशा सूचना राज्याच्या कोरोना टास्क फोर्सनं दिल्यात. नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी गेलेले मुंबईकर आता घरी परतू लागले, त्यामुळे पुढचे काही दिवस कोरोना संसर्ग मोठ्या प्रमाणात पसरण्याची शक्यता टास्क फोर्सनं वर्तवली आहे. लक्षणं असणाऱ्यांनी मास्क वापरावा आणि रॅपिड अँटीजेन टेस्ट करण्याच्या सूचना टास्क फोर्सनं केली आहे. रॅपिड अँटीजेन नकारात्मक असल्यास आरटीपीसीआर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. कोरोना बाधित आढळले तर त्यांच्या सतत संपर्कात येणाऱ्यांची कोरोना चाचणी करावी अशी सूचना करण्यात आली आहे. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बहुत ही ज्यादा दिनों बाद बना रहा हूँ. आपको मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर वर्स्ट कंडीशन हो गई या फिर जो है मतलब कंडीशन और भी ज्यादा खराब होती है तभी जाकर मैं वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पर, या फिर वरना हमारे चैनल पर टॉपिक पर इस मतलब कोरोना के टॉपिक पर वीडियो वगैरह नहीं आएगा. पर फाइनली आज मुझे वीडियो बनाना ही पड़ रहा है क्योंकि आप जो है न्यूज वगैरह कंटिन्यूसली देख रहे होंगे तो आपको भी पता चल गया होगा कि कोरोना केसेस में बहुत ही ज्यादा वार्ड या फिर इंक्रीज फिर से एक बार देखने के लिए मिल चुकी है, और स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर यार. और मतलब ये वन टाइप ऑफ गुड सिम्बॉल या फिर साइन तो है नहीं कि हम जो है इसके ऊपर जो है जश्न मनाए. और हाँ, मतलब काफी ज्यादा हो गया ऐसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हो गए या फिर इंजीनियरिंग वाले हो गए, फार्मेसी वाले हो गए, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर वगैरह जो कुछ भी अदर ब्रांच या फिर स्टडी ब्रांच के रिलेटेड स्टूडेंट मान लो कि ऐसे स्टूडेंट जो हो गए कि मतलब खुश उनके लिए एक टाइप ऑफ राहत का जो है न्यूज वगैरह आ रही होगी क्योंकि वो फिर से एक बार मतलब उनके ख्याली पुलाव जो है पकाने चालू हो चुके होंगे कि जो है अभी फिर से एक बार सब कुछ ऑनलाइन वगैरह हो जाएगा. जो कंडीशन हमने 1.5 से 2 साल फेस की थी कि सब भी कुछ ऑनलाइन एग्जामिनेशन वगैरह ऑनलाइन, ओके, तो ऐसे कंडीशन फिर से एक बार ऑकर हो जाएगी या फिर जो है फिर से एक बार लॉकडाउन वगैरह लग जाएगा. तो दोस्तों मतलब ये देखिए है मतलब कंडीशन जो है मुझे तो भी नहीं लगती अभी इस टाइम पर तो भी आनी सही क्योंकि हाल ही में ही जो है न्यू ईयर वगैरह स्टार्ट हो चुका है, सारी जगह जो है खुशी का वातावरण है. और मतलब उस कंडीशन से रिकॉल करते हुए मतलब उस फेज से हम ऐसे निकले हैं ना यार कि उसको ओवरकम करते हुए अभी हमको 1.5 से 2 साल हो चुके हैं मतलब, ठीक है, तो उस टाइम को फेस किए होंगे. अभी जो कुछ भी है थोड़े से लाइन पर हम आ रहे हैं और फिर से एक बार जो है कोरोना आकर जो है ऐसे न्यूज़ वगैरह तो मुझे तो भी नहीं लगता. और राम मंदिर सबसे बड़ा टॉपिक जो है फिलहाल 22 तारीख को जो है मतलब 22 जनवरी को राम मंदिर का भी जो कुछ भी अयोध्या के अंदर आपको बताई होगा, ठीक है, तो प्रभु श्री राम हमारे फिर से एक बार विराजमान वाले. और मैं नहीं चाहता कि ऐसे मतलब पवित्र अवसर पर फिर से एक बार जो हमको लॉकडाउन या फिर मास्क लगाकर वहाँ पर जाना पड़े. मैं क्या कोई भी नहीं चाहता यार, हर एक हिंदू या फिर हर एक मतलब जो कि सनातन धर्म को फॉलो करने वाला जो है चाहता होगा कि फिर से एक बार जो है जश्न हम मनाएं. और इस मतलब फेस्टिवल की तरह दिवाली होने वाली यार एक टाइप से ऐसे अवसर पर मतलब कि जो है अभी कोरोना वगैरह तो मुझे तो भी नहीं लगता कि अभी कुछ होने वाला है. और ना ही कोई अभी करने की इतनी ज़्यादा कोई हिम्मत वगैरह करेगा कि मास्क कंपलसरी या फिर लॉकडाउन वगैरह, क्योंकि देखिए यार एक बार सभी कुछ स्टेबल वगैरह हो चुका तब जाकर जो है अगर 1-2 महीने के बाद वर्स्ट कंडीशन हो गई मतलब 50,000 केसेस 20,000 केसेस आने चालू हो गए तब जाकर जो कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो ठीक है यार. पर अभी से ही मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी होना चाहिए और ना ही अभी होना चाहिए यार, क्योंकि देखिए ये सब कुछ जो है अच्छा खासा माहौल चल रहा है. ओके, 22 तारीख को जो है फिर से एक बार सबसे बड़ा दिन, इतिहास का सबसे बड़ा दिन हम कह सकते हो आने वाला है. ओके, तो ऐसे अवसर पर मेरे ख्याल से तो भी सब कुछ अच्छा खासा चलना चाहिए. और हाँ, कोरोना केसेस के बारे में थोड़े बहुत अपडेट दे दूँ तो मतलब जो है 4,000+ 500+ जो है आंकड़ा अभी चला गया है. ओके, तो रियल टाइम केसेस की बात कर रहा हूँ मैं. और मतलब हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों के मतलब ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाए क्योंकि ओकेशन ही मतलब ओकेशन ही कुछ ऐसा होने वाला है यार, कंडीशन ही कुछ ऐसी हो जाने वाली. ऑब्वियसली थोड़े बहुत जो है कोरोना के पेशेंट्स फिर से एक बार बढ़ने वाले, पर इतनी ज़्यादा कुछ ट्रबल देने वाली बात नहीं है क्योंकि डॉक्टर्स ने भी ऑलरेडी कह दिया है कि ये वेरिएंट, हालांकि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं पर पेशेंट के जो कि मतलब डेड की संख्या या फिर मरने की संख्या वो बहुत ही ज़्यादा कम है या फिर इन शॉर्टली हम कह सकते हैं कि स्टेबल है. ओके, तो इसके लिए इतना कुछ ज़्यादा हमको फर्क वगैरह नहीं पड़ने वाला है उस कोरोना का. और हाँ, हमारी इम्यूनिटी पावर भी अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, हमने ऑलरेडी वैक्सीन वगैरह ले लिए, इसके लिए जो कुछ भी इम्यूनिटी सिस्टम वगैरह होती है हमारी वो फिर से एक बार स्ट्रांग हो चुकी है, ठीक है, तो उससे जो है फाइट करने का हमको आराम मतलब तरीका मिल चुका है या फिर जो है रीज़न मिल चुका है. तो आई थिंक कि यही न्यूज़ मुझे अब तक शेयर करनी थी कि कोरोना के केसेस हालांकि बढ़ रहे हैं पर देखिए लॉकडाउन वगैरह समस्या मेरे ख्याल से तो भी आगे आने वाले 15 से 20 या फिर जनवरी महीने खत्म होने तक तो भी नहीं आएगी. ओके, तो तब जाकर जो है कोई नई नोटिफिकेशन आती है या फिर और भी कोई केसेस वगैरह की इन्फॉर्मेशन आती तो मैं आप तक जरूर से शेयर करूँगा. तो प्लीज़ तब तक चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है. और हाँ, आपका मन क्या है 22 मतलब 22 तारीख कैसे क्या सेलिब्रेट करने वाले, कमेंट में ज़रूर से बता देना. जय श्री राम.